एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग ऑल्सो. तो सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल. इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग. वी आर स्टिल हियर इन तकसीम स्क्वायर और पीछे एक गाड़ी आ रही है, उसको देना पड़ेगा रास्ता. मेरे पास है बैग जो कि अगर मुझे चलाना है तो इस ट्रेन की पटरी पर ही चलाना पड़ेगा. ऑलरेडी एक बैग पैक भी है मेरे पास. सामान काफी ज्यादा हो गया था लेकिन सारा का सारा सामान इस छोटे बैग में आ गया फाइनली. 2:20 की फ्लाइट है, पहुँचना है एयरपोर्ट. बेस्ट वे टू रीच एयरपोर्ट. एक हफ्ता यहाँ पे रहने के बाद मुझे जो पता चला है वो यही है कि बेस्ट वे जो है वो बस ही है. एयरपोर्ट से अगर तकसीम स्क्वायर आना हो या तकसीम स्क्वायर से जाना हो एयरपोर्ट, यहाँ से डेली बस जाती है. डेली क्या जाती है बल्कि हर 30 मिनट बाद बस जाती है. बस का नाम है हवा बस. सो वी विल रीच टू हवा बस स्टेशन, बट उससे पहले कुछ खाएंगे. एनर्जी लेवल इज डाउन गाइस. पानी का ग्लास भी नहीं मिला सुबह पीने को क्योंकि रूम में पानी भी नहीं था. यहाँ से हम काफी शोरमा खा रहे हैं और कल रात को डिनर भी हमने यहीं से किया. बस दो शोरमे खाए थे तो लास्ट शोरमा ऑफ तकसीम स्क्वायर. This is the best breakfast we have. Pomegranate, fresh juice बिल्कुल. और ये शोरमा जो कि इतना बड़ा था कि एक बंदा बड़ी मुश्किल से खा सकता है इसको. तो कोशिश कर रहा हूँ मैं फिनिश करने की लेकिन मुझे लगता नहीं कि फिनिश होगा. ब्रेकफास्ट तो हो गया डन फाइनली और अभी बस हम जा रहे हैं हवा बस की तरफ. और हवा बस का जो स्टेशन है गूगल मैप इज सेइंग 10 मिनट्स. बाकी अगर ट्रेन के थ्रू मेट्रो के थ्रू जाएंगे तो वो फिर लंबा पड़ जाएगा. 4 स्टेशन तो बदली करना ही पड़ते हैं. और तुम लोग सोच रहे हो कि सफीर कहाँ पे है जो हमारे साथ था कल तक, तो वो रूम में सो रहा है बड़े मजे से क्योंकि उसकी फ्लाइट है रात को वापसी की. तो बाकी आई विल मिस This place, guys. Seriously, Turkey is beautiful. There is no doubt. और याद तो आएगी यार. Last day here. एक हफ्ता पहले यहाँ पे पहला दिन था. सब कुछ नया नया था. एक चीज तुम लोगों ने भी नोट की होगी ब्लॉग में कि मेरा जो बैग है वो मेरे पास नहीं है. बैग में वहीं पे छोड़ के आ गया हूँ जहाँ पे शोरमा खाया था मैंने. तो शुक्र है मैं बस में नहीं बैठ गया यार. अगर मैं बस में बैठ जाता तो मेरी वाट लग जानी थी बस. फाइनली हमारा बैग तो हमें वापस मिल चुका है लेकिन शुक्र मनाओ कि यहाँ पे कहीं मैं गली में नहीं भूला. अगर यहाँ पे कहीं रोड पे मैं भूल जाता तो अभी तक ये गायब हो चुका होना था क्योंकि यहाँ पे चीजें गायब हो जाती हैं मैंने सुना है. बिकॉज इट्स तकसीम स्क्वायर एंड सम time Tuxim Square is not a safe place. इस तरह किया है कि हम पहुंच चुके हैं जल्दी एयरपोर्ट पे. अभी बजे 11:30. बस में मैं तो सो गया था तो पता नहीं बस इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई है. पूरा 1 घंटा लगा है बस को बस और अभी तक हमारा बोर्डिंग काउंटर भी नहीं खुला. तो नाउ आई एम कंफ्यूज्ड. टर्किश बकलावा मैंने खरीदना था वहाँ से, जल्दबाजी में मैं वो भी भूल गया. फिलहाल मुझे कॉल आ रही है आई थिंक सफीर की. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हाँ सफीर भाई कैसे हैं भाई? ठीक है, फिट फार है, टैट मैट है. भाई तू सो रहा था, मैंने सोचा तुझे डिस्टर्ब ना करूँ यार. वहाँ से जो बेस्ट वाला बकलावा मिल रहा था वो तो हम नहीं ला सके जल्दबाजी में. यहाँ पे टाइम था तो मैंने सोचा घर वालों के लिए यहीं से कुछ बकलावा लेके चलते हैं यार. अब तुर्की आए और बकलावा ना लेके जाएं तो फिर तुर्की आने का क्या फ़ायदा होगा. कहने में तो ये फ्रेश ही है वैसे कह रही है लेकिन अब एयरपोर्ट का जो रियल था ना गाइस वो वहाँ पे तकसीम स्क्वायर में था जो कि मैंने पहले दिन खाया था. दैट वॉज रियली अमेजिंग. 201A मिला हमें. और एक बात अच्छी हो गई है कि जो मेरा बैग था वो हो गया बोर्डिंग. वैसे ओमान में तो उन्होंने मुझे रोक लिया था, उन्होंने कहा था तुम्हारे टिकट में लगेज है ही नहीं. वापसी की फ्लाइट में भी लगेज नहीं था लेकिन यहाँ पे फिर वही कतल वाला सीन हो गया कि बैग चला गया. तो अब मुझे कोई मसला नहीं रहा, अब हैंड बैग बस मेरे पास एक है और एक है बैग पैक. तो अभी देखते हैं कहाँ पे हैं गेट्स. इस एयरपोर्ट पे तो कुछ समझ नहीं आ रही यार. यहाँ पे हर तरफ रेस्टोरेंट्स, स्टारबक्स, बर्गर किंग और पता नहीं क्या क्या है यार. जो मेरा वीज़ा था वो था 7 days वैलिड, ओके, एंड आई स्टेड 8 days. लेकिन बाई चांस मुझे पता नहीं क्यों फाइन नहीं मिला. मुझे लग रहा था फाइन मिलेगा. उस पुलिस वाले ने कॉल भी की थी किसी को, फिर जाके उसने कहा नो प्रॉब्लम, देर इज नो इशू. मुझे लगता है जिस दिन मैंने लैंड किया था वो दिन इन्होंने काउंट नहीं किया क्योंकि टुडे इज 26/19 को मैंने लैंड किया था यहाँ. तो अगर टोटल किया जाए तो बन जाते हैं कितने, 8 दिन. जिस चीज़ का था इंतज़ार वो तो फाइनली मिल चुकी है, कैरेमल फ्रैपचिनो. इसमें कैरेमल आज कुछ ज़्यादा ही लग रही है, शायद ओवर मीठी हो गई होगी. ये पीने के बाद एनर्जी लेवल हो जाएगा अप और सफ़र गुजर जाएगा आसानी से. टेस्टी यार. और यहाँ पे मैंने आके एक चीज़ नोट किया कि यहाँ पे स्टारबक्स बहुत सस्ती है, महंगी नहीं है बस. अब ये चीज़ मुझे मिली है यहाँ पे 1 रियाल की. वहीं से अगर मैं ये खरीदूंगा तो मुझे मिलेगी 2 रियाल 200 की. 1 रियाल डिफरेंस, नॉट अ स्मॉल डिफरेंस गाइस. Oh,
sneakers. So this is enough आज के सफर के लिए. तो किसी तरह जहाज में पहुंचते हैं यार. Flight is already late. I don't know और कितना time लगेगा. ये जर्नी थी स्टारबक्स से लेके टिम हॉर्टन्स तक की, क्योंकि ओमान एयरपोर्ट पे स्टारबक्स है नहीं, तो टिम हॉर्टन्स इज द बेस्ट ऑप्शन एट द एंड ऑफ द डे. और यार इस ट्रिप में मैंने सबसे ज़्यादा जिसको मिस किया है ना, दैट इज़ माय ओनली बॉय, माय अली बॉय. इसको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया है. बहुत 7 दिन से मैं इससे नहीं मिला यार, और मैं जब इससे एक दिन भी नहीं मिलता तो मुझे बहुत अजीब सा लगना शुरू होता है अगर मैं सुबह घर से निकलूँ शाम को वापस आऊँ, क्योंकि दोपहर के टाइम भी ये मेरा इंतजार करना शुरू हो जाता है. तो अभी बस किसी तरह पहुँचते हैं घर, चल के देखेंगे इसका रिएक्शन. वैसे ये फोटो अभी भी है इसका, तो वैसे वीडियो कॉल पर तो मेरी इससे होती रहती थी बात. तो बस लेट्स रीच होम. तो यार सबसे ज़्यादा जो मैंने मिस किया ना, जिस बंदे को मैंने सबसे ज़्यादा इस पूरे वीक में मिस किया ना, वो बस ये बॉय. ओ बेबी लव यू लव यू लव यू लव यू. तो देख रहे हो तुम लोग यार, खुशी देख रहे हो इसके चेहरे पे. दिस इज माई बॉय एंड आई वाज मिसिंग हिम सो मच. तो अभी फाइनली मैं इसके साथ यहाँ पे बस सो जाऊंगा. आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर हम तो हैं आदत से मजबूर, तो अब बस आदत सी हो गई है कैमरे से बात करने की, क्योंकि पिछले 7 डेज लगातार वीडियोस बनाई हैं. तो अब तक ये वीडियो जब तुम लोग देख रहे हो तो ऑलरेडी सारी तुम लोग देख चुके हो. तो आई होप यू गाइज इंजॉयड माई टर्की ट्रिप एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग ऑल्सो. तो बेबी ये क्या है? तो इसको जब मैं लव यू कहता हूँ ना, तो ये एकदम उछलना शुरू हो जाता है, पता नहीं ये क्या वजह. तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं यार. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज. ओके टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.